काम से पहले हाथों को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैम। तो जी आज हमारा लाहौर का सफ़र यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। डाइवो की टिकट्स हो गई हैं, 4:30 बजे की टिकट्स थी और अभी टाइम हो चुका है 4:40। अभी हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, दैट्स वाई हम लोगों को 2.5 घंटे लग जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं लाहौर। और देखें कितना प्यारा व्यू है, ग्रास, ग्रीनरी, फसलें। ये रावी आ गया, रावी को देखने की तो अपनी बचपन की पुरानी आते हैं। तो जी अब लाहौर हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे फैमिली रिलेटिव्स ने न्यू घर बनाया था, उन लोगों ने हमें इनविटेशन दिया था तो हम उनके घर जा रहे हैं दावत पे। अभी हमने एक दिन का पूरा रेस्ट किया और आज हम लोग जाएंगे लाहौर की सैर को। और अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे एम्पोरियम, हमारा एम्पोरियम में जाने का प्लान है। मैंने शूज़ लेने थे, हुरैन के लिए भी कुछ लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम जा रहे हैं एम्पोरियम। एम्पोरियम में मैंगो फेस्टिवल के रिलेटेड उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और कोरोना की वजह से ये था कि एम्पोरियम जल्दी बंद हो जाना था, 8 बजे के करीब बंद होना था। हम लोगों ने जाना था गुलशन पार्क भी, और गुलशन पार्क भी 8 बजे बंद होना था, जिसकी वजह से हम लोग अब एक ही जगह पे जा सकते हैं। और ये हुरैन को यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शूज़ पसंद आ रहे थे, हुरैन के लिए शूज़ ख़रीदने थे, तो मैं चाहती थी उसकी चॉइस के शूज़ हों, जो उसको अच्छे लगे हम उसको वही परचेज करके दें। मैंने भी एक फ़र्स्ट स्टेप का शूज़ दिया था और मुझे वही अच्छा लगा, तो अभी हुरैन के लिए शूज़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग निकल आए हैं लाहौर ज़ू की तरफ। तो ये है जी लाहौर ज़ू, आप लोगों में से बहुत से लोग यहाँ पे जा चुके होंगे। और ये यहाँ पे आने का जो हमारा मकसद था वो था हुरैन के लिए हम लोग आए, क्योंकि हुरैन को ये सब अच्छा लगता है। अभी हम लोग लाहौर ज़ू में आए तो इतना इंटरटेनमेंट वाला माहौल, इतना मज़े का, हर तरफ जानवर परिंदे। और लेकिन ये था कि लाहौर ज़ू में गर्मी की वजह से जानवर कुछ तो सो रहे थे और कुछ लोग जानवर बहुत ही लेज़ी डेज़ी हुए हुए थे। ये है जी जिराफ, एक साइड पे जिराफ दरख्त के पास खड़ा है और एक ये जिराफ है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लिए और वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप जानवरों को नहीं खिला सकते, लेकिन क्या करें, हम जब पॉपकॉर्न खुद खा रहे थे जानवर खुद ही पास आ रहे थे, तो हमने उनको भी थोड़े बहुत पॉपकॉर्न दे दिए। वहाँ पे भी चीज़ें बहुत महंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ना हर जगह। तो ये है रेड हरन, और इसकी कोई और ही नस्ल है, तो हमारे पास से हटी नहीं रहा था, फिर हम लोग ने इसको भी खाना वगैरह डाला, जबकि उन्होंने पूरा इनका ख्याल रखा हुआ था, एयर कूलर लगाए हुए थे, बर्फ़ के ब्लॉक्स वगैरह थे। ये है तेंदुआ, ये सो रहा है, अगर आपको सामने डॉटेड कुछ नज़र आ रहा हो तो मैं इसको अच्छे से इतना खास नहीं दिखा सकी, लेकिन ये सारे जानवर सो रहे थे बहुत गर्मी की वजह से। ये शेर, शेरनियाँ सारे सो रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे सबसे अच्छा रीच लगा, लेकिन मैं अब रीच की वीडियो बनाना भूल गई, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड था, रीच कभी उधर जा रहा था, उसका बेबी था तो कभी उधर जा रहा था, हम लोग उसको देख के हम खुद भी एक्साइटेड हो गए और उसी एक्साइटमेंट में वीडियो बनाना भूल गई। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है जो कि परिंदों को कुछ डर है और डर भी रहा था, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी थोड़ी सी। और ये परिंदे कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, मैं यहाँ पे आके देख रही थी, मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं प्यारी प्यारी सी। ये है पीकॉक, और पीकॉक ने जब हम थोड़ा सा आगे गए, मैं पीकॉक को कह रही थी पीकॉक थोड़ा सा पर खोल के दिखा दो, तो मैंने तुम्हें देखना है, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे गई तो इसने भी और वाइट वाले ने दोनों ही पर खोल लिए, ऐसे लगता जैसे कि हमारी बॉडी समझ रहे हूँ क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस साइड पे है ये जो डिफरेंट कलर्स में होता है पीकॉक वो, और दूसरी साइड पे वाइट पीकॉक है। नस्ल इनकी काफ़ी अच्छी है, इनकी काफ़ी अच्छे से केयर की गई है जानवरों की, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये था कि गर्मी की वजह से मतलब वो जानवर लेज़ी डेज थे, खैर इतना तो होता है। ये आ गए मेरे इनोसेंट से हमारे हरन, इनमें एक इनका बादशाह घूम रहा है,
और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ऑस्ट्रिच, देखिएगा कैसे चल रहा है पूरी एक्शन में पूरे टोर के साथ। ईगल था वो कह रहे थे मैंने शोल्डर्स पे बिठाए और आप लोग, मैंने नहीं बिठाया, मुझे थोड़ा डर लग रहा था ये। फिर हम लोग चले गए एक्वेरियम में मछली घर, और यहाँ पे हैं डिफरेंट फिशेस। नाउ यू कैन सी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, बीच में रेड कलर की, मुझे रेड कलर वाली अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे फिशेस कम्प्लीटली, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है। लुक कैसे मज़े कर रही हैं। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाके ज़ीब्रा देखे, और ज़ीब्रा हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, अपनी मौज में खड़े थे। यहाँ पे सारे जानवर सो रहे हैं, बर्फ़ के ब्लॉक्स रखे हुए हैं और एयर कूलर भी चल रहा है इनके लिए। पास उनका खाना भी पड़ा है, लेकिन नहीं, उनको होश ही नहीं, उनको सोना है, उनको नींद आई हुई है। हमने भी कहा चलो आराम करो, और हमने उनको सोने दिया। और अभी यहाँ पे आप देखें वाइट लाइन है और दूसरा लाइन है, सारे सो रहे हैं। ये हमारे बब्बर शेर भी सो रहे हैं, और ये दरवाज़ा बंद हो गया हवा की वजह से। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़े का व्यू देने लगी हूँ। अब मैं कहते हम भी हैं। ओ नाइस, देखना इनको कैसे चल रही है। ये कैसे देना, तुम हिला हिला के जा रही है, मैं इनको पढ़ा रहा है कुछ। नाउ लुक एट द ब्लैक स्वान, इसका पेयर पता नहीं कहाँ है, लेकिन खुद को ही बनाने सवारने में लगा हुआ है। इनका पानी थोड़ा सा चेंज होने वाला था, बाकी सब कुछ ठीक था। ये वाला जो बर्ड है इसके ऐसे लग रहा था जैसे ना इसकी दो पोनियाँ हुई हूँ। ज़्यादा जूम नहीं कर सकी, लेकिन मैंने थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है। तो इसके ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लग रहा था जैसे सर पे दो पोनियाँ हुई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी अंदरून लाहौर की तरफ, और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, इसका पार्ट टू भी आएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।